हेलो एवरीवन, आज आपके साथ हम नया ही टॉपिक लेके आए हैं। मान लीजिए आपके पास कोई टाटा की गाड़ी है और वो अनफॉर्चुनेटली पंचर हो जाती है, टायर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप क्या करेंगे? उसी चीज़ का आज हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। ये हमारे पास टाटा टिगोर है। आज इसकी पंचर किट का हम आपको बताएंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। ये प्रॉब्लम हमारे साथ ऑलरेडी हो चुकी है कि हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी और हमको पता नहीं था कि इसको यूज़ कैसे करना है। और इस चीज़ के बारे में रिव्यूज़ वगैरह या किसी तरीके के यूट्यूब वीडियोस भी बहुत कम है, तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। ये मोबिलिटी किट है टाटा की, जो कि इस पैकेट में आती है। इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। इस पर मार्किंग्स लगी हुई है कि कितनी हवा आप भर रहे हैं। ये कैप है जो कि पूरा खुल जाता है, और ये इस पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ये भी अच्छा है कि मैनुअल अलग से नहीं दिया हुआ, क्योंकि मैनुअल कई बार खो सकता है। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि अपना जब तक ये मोबिलिटी किट रहेगी आपके पास, जब तक ये मेन्यू रहेगा ही रहेगा। तो सौरभ भाई, इसको ज़रा खोल के दिखाएंगे कैसे खुलता है, कैसे काम करता है। तो इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि इसके साथ वायर दिया हुआ है हमें, ये ऑलमोस्ट 10 फीट का है, और जो एक बार लगाने के बाद में आपके तीनों टायर्स आराम से रीच आउट कर सकते हैं। तो ये लगाने के बाद हम इसको यहाँ से टायर नोजल में कनेक्ट कर ये देंगे। टायर हाँ, में कनेक्ट हो जाएगा। ये टायर नोजल में कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ से प्रेशर अपने आप ही इसमें शो 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 करेगा। ये हो गया अपना सॉकेट। लेंथ देखें, एक बार लंबा करके वायर दिखा दीजिए। ये ऑलमोस्ट पूरी तो गाइज, ये जो लेंथ है इसकी वो इतनी है कि पूरी ऑलमोस्ट गाड़ी की लेंथ के बराबर ये पूरी पूरी इस वायर की लेंथ है। तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपका टायर तक ही पहुंच नहीं रहा है। यहाँ पे हमने डीसी पावर सप्लाई में इसको कनेक्ट करेंगे। ये बैटरी पावर सप्लाई से हमने कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद में हम आप ध्यान रखिएगा कि इसको इंजन ज़रूर ऑन कर दें। बिना क्लच दबाए हो जाएगा इंजन ऑन? हो गया यार, क्या बात है। मारुति की गाड़ियों में नहीं हो रहा है आजकल, ये मेरी इग्निस खड़ी हुई है, इसमें नहीं होता है बिना क्लच दबाए गए इंजन स्टार्ट। नहीं, इंजन ऑन नहीं हुआ, वो अच्छा ऑक्सिलरी पावर ऑन हो गई। यार, इंजन स्टार्ट कर लेते हैं, बोलते हैं कि इंजन स्टार्ट कर लेना चाहिए। एक बार पड़ी, वो क्लच दबाना पड़ेगा फिर। अच्छा, होगा क्लच दबा के ही। हाँ, एक बार इसे टाइट करने तो गाइस, हम आप लोग को भी यही रिकमेंड करेंगे कि आप इंजन स्टार्ट करके ही हवा भरें, बैटरी में उतनी पावर नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 29 पाउंड 29 पॉइंट्स इसमें एयर है। अब इसको ऑन कैसे करेंगे? हाँ, इसका यहाँ पे साइड में स्विच दिया हुआ है, ठीक है ठीक है। तो इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे। देखो, गाड़ी पे हल्का सा लोड सा पड़ा है, चल नहीं रही है। ये चल रही है, उधर से चेक करूँ लगा है नहीं लगा है। हाँ, एक बार देखिए, लगा नहीं है लगता। तो यहाँ से लगा नहीं था ठीक से ये। देख सकते हैं बहुत ही तेजी से हवा इसमें भर रहा है, तो ऑलमोस्ट 1 से 2 से 3 मिनट में पूरी हवा भर देगी, अगर बिल्कुल हवा नहीं निकाल रही तो। और ये 32 पॉइंट हवा हो गई, तो इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, काफी जल्दी हवा भर दी यार इसने। हाँ, ये आपने देखा कि इसमें हाँ तीन हाँ तीन हाँ पॉइंट हाँ हवा बिल्कुल मुश्किल से 20 सेकेंड में हाँ निकाल हाँ दी है। बिल्कुल, बहुत जल्दी भरी है।
ये मॉर्निंग की वजह से सर्दियों में सीएनजी की गाड़ी हो या पेट्रोल की, थोड़ा तो ये निकालती है वेपर था। हाँ वो आप वाटर वेपर है। ये आपकी स्टेफनी हो गई, कैसा ठीक रहे? है। ये तो हो गया नॉर्मल इन्फ्लेटर का काम हाँ हम कि सौ एज अ प्रतिशत इन्फ्लेटर हम इसको कैसे यूज करेंगे। हम इसको लेकिन मान लीजिए पंचर हो गया, एक बार इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं कि। ठीक है। अच्छा, ये हमने कनेक्ट किया हाँ और इसमें प्रेशर इसको, आ गया, हाँ इसमें कितना भरा कनेक्ट हुआ है। करने का एक ही तरीका है कि जैसे इसमें कनेक्ट होगा हवा निकलने लगेगी, और फिर ये जैसे ही हवा रुक जाएगी तो आप हम समझ सकते हैं कि ये पूरी तरह कनेक्ट हो गया है। तो ओके ओके ओके। ये फुल एयर टाइट हो गया, और इसमें जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये बार अपने आप शो अप करने लगेगा। तो हम देख सकते हैं कि 20 और 40 के बीच में 30 है, तो ये 30 पॉइंट्स इसमें हवा है। ठीक है, अगर ये जो ढक्कन हाँ है इसको खोल देंगे तो क्या होगा? और मान लीजिए हम ऐसा लगता है कि हवा ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, तो हम इस नॉब को यूज़ करके यहाँ से आप सुन सकते हैं हवा निकाल सकते हैं, अननेसेसरी हवा। और यार ये तो इस बहुत अच्छा हाँ सिस्टम दिया हुआ है इसमें। हाँ ठीक इसमें हवा निकाल भी सकते हैं और फिर इससे इन्फ्लेट कर सकते है, हैं। मान लीजिए इसमें हमारे पंचर हो रखे हैं और रेगुलर हवा निकल रही है तब। तो इसमें अच्छा, ये डब्बा, हाँ ये सीलेंट दिया हुआ है। तो ये हमने नॉब ओपन कर दिया, और ये सीलेंट जो ठीक है है। इसको हम लगाएंगे नहीं अभी क्योंकि ये हाँ खुल जाएगा, वरना सील हाँ खुल ये जाएगी वन इसकी। टाइम यूज़ है। हाँ, तो इसको इस तरीके से कस देंगे इसके हाँ ऊपर। इसको कसने के बाद में अच्छे से टाइट कर देंगे, हाँ, और ये जब हम एयर हवा इसमें भरेंगे तो हवा के साथ ही ये सीलेंट जो है इसके अंदर चला जाएगा। यार ये बहुत अच्छा जुगाड़ दे रखा है इसमें। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच ये दिखाने के लिए। तो ये पुल बैक पिन है, वो यूज़ करके हमेशा यूज़। हाँ अच्छा, इसको प्रेस करना है अंदर। नहीं प्रेस नहीं करना है, ये हल्का सा दिया हुआ है, इसको पकड़ के खींचे। ओके ओके, तार पकड़ के ना खींचे, हाँ क्योंकि ये टू निकाल के दिखाना जरा वो क्या पकड़ना है। ये चीज़ पकड़नी है। ओके ओके ओके, इसको पकड़ के खींचना, ठीक है। ये तो बहुत काम की चीज़ है। हाँ, क्योंकि अगर ऐसे खींच देंगे तो फिर ये डैमेज हो जाएगा, हाँ, तार टूट जाएगा। तो डैमेज हो जाएगा। दोस्तों, ये था अपना एक ट्यूटोरियल या कह लीजिए गाइड, किसी की हेल्प हो जाए इस वीडियो से कि भाई हवा कैसे भरते हैं, क्योंकि हमको ये यूज़ करना नहीं आ रहा था पहले, तो एजेंसी पे हमने पूछा कि किस तरीके से यूज़ करते हैं।